अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के पूर्व आईटी सेल इंचार्ज। बीती 7 जुलाई को पार्टी ने अरुण को उनके पद से हटा दिया। पार्टी ने इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर साल 2017 के उनके एक विवादित ट्वीट को लेकर पार्टी ने यह कार्रवाई की है। इस विवादित ट्वीट को लेकर ट्विटर पर अरुण की गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। अरुण के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में हरियाणा बीजेपी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें लिखा था, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा प्रदेश आईटी प्रमुख श्री अरुण यादव जी को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। दरअसल अरुण यादव ने साल 2017 के एक ट्वीट में शराब की तुलना पैगंबर मोहम्मद से की थी। ट्वीट में लिखा था, मुझे तो पेग में पैगंबर नजर आता है। अरुण यादव का ये ऐसा अकेला विवादित ट्वीट नहीं है, उनके इस तरह के दूसरे ट्वीट भी सामने आते रहे हैं। बीती फरवरी में सर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के आगे खड़े होकर फातिहा पढ़ी और दुआ फूंकी। उनके इस वीडियो को शेयर कर अरुण यादव ने लिखा, क्या इसने थूका। इस ट्वीट के बाद अरुण यादव को अच्छी खासी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप लगे। हालांकि अरुण यादव ने अपना ये ट्वीट डिलीट नहीं किया। हाल ही में अरुण यादव का एक और विवादित ट्वीट वायरल हुआ। बीती 14 मई को अरुण यादव ने एक विवादित ट्वीट में लिखा, जितना मस्जिद की खुदाई पर डर रहे हैं उतना तो बेगम दूसरों द्वारा हलाला करने पर भी नहीं डरती। पैगंबर पर विवादित ट्वीट के बाद जब अरुण यादव की गिरफ्तारी की मांग उठी तो सोशल मीडिया पर उनका ये विवादित ट्वीट भी वायरल हुआ। मई में ही अरुण यादव ने एक और विवादित ट्वीट किया था। इस ट्वीट में यादव ने लिखा, भारत से खुदा की विदाई तक खुदाई जारी रहेगी, खोदते रहो। पिछले साल जुलाई की बात है, दिग्गज अभिनेता दलीप कुमार का निधन हो गया था। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इस बीच अरुण यादव ने उनके ऊपर एक विवादित ट्वीट कर दिया। लिखा, फिल्मी जगत में हिंदू नाम रखकर पैसा कमाने वाले मोहम्मद यूसुफ खान यानी कि दलीप कुमार का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना। इस ट्वीट के लिए भी अरुण यादव को आलोचना झेलनी पड़ी। लोगों ने उनके ऊपर एक दिग्गज एक्टर के निधन को भी सांप्रदायिक मुद्दा बनाने के आरोप लगाए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।